हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मंशा पाशा के लाइफ स्टाइल के बारे में। अगर आप इनके फैन हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे इनसे जुड़ी बहुत सी मालूमात। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो आसानी आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1987 को सिंध के शहर हैदराबाद में हुआ। इनका रियल नेम मंशा पाशा है और निकनेम मंशा है। इनकी एज 36 ईयर्स है। हाइट 5 फीट 7 इंचेस, वेट 54 केजी, आई कलर डार्क ब्राउन, हेयर कलर ब्लैक। नेशनलिटी से ये पाकिस्तानी है और इनका मज़हब इस्लाम है। एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने बैचलर इन मीडिया साइंस की डिग्री हासिल की है। अब बात करेंगे इनकी फैमिली की, तो ये एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती है। इनके फादर का नाम पाशा है। पेरेंट्स के अलावा इनकी 3 बहनें हैं, जिनके नाम जीनत पाशा, हना पाशा और मारिया पाशा है। इनके अलावा इनकी फैमिली का शोबिस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं। ये अपनी फैमिली में वाहिद है जो शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा है और ये अपनी फैमिली के साथ कराची में रहायश पजीर है। तो नाजिन, अब बात कर लेते हैं इनके कैरियर की। तो ये प्रोफेशन से मॉडल और एक्ट्रेस है। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज साल 2011 में किया। तब से लेकर अब तक इन्होंने काफ़ी सारे सीरियल्स में काम किया है। इनके कुछ कामयाब सीरियल्स के नाम है हम सफ़र, शेर-ए-ज़ात, जिंदगी गुलजार है, घूंघट, मोहब्बत सुबह का सितारा है, हम तेरे गुनहगार, मेरे अपने, मेरा नाम यूसुफ है, दरार, आंगन, खुदगर्ज, हकीकत, मोहब्बत तुझे, अलविदा, झूठ और मजीद शामिल है। सीरियल्स के अलावा इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। इनकी पॉपुलर फिल्म का नाम है लाल कबूतर। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो इन्होंने पहली शादी साल 2013 में असद फारूकी के साथ की, जो एक बिजनेसमैन है। लेकिन साल 2018 में इनका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद इन्होंने दूसरी शादी साल 2021 में मोहम्मद जिब्रान नासिर के साथ की, जो एक सियासतदान है। अब बात करेंगे इनकी हॉबीज़ की। तो इनकी हॉबीज़ है ट्रैवलिंग एंड शॉपिंग। नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ है 1 मिलियन USA डॉलर। आप लोगों को इनका कौन सा ड्रामा और कौन सा किरदार पसंद है कमेंट में हमें बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।